सो हेलो एवरीवन तो आज हम लोग का सेकंड लेक्चर रहने वाला है जोग्रफी का जो कि हम लोग कर रहे हैं अपने एन डी और सी ए पी एफ एग्जाम के लिए ठीक है और ये दूसरा लेक्चर है पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ओरिजिन ऑफ अर्थ और अर्थ क्विक के बारे में पढ़ा था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके तीनों एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से उसकी जो पी थी मैंने पी की वो आप लोगों का सेंड कर दिया था आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है एन का अलग ग्रुप है और सी ए का अलग टेलीग्राम ग्रुप है दोनों मैंने शेयर कर दिया था और एक चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे आ, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जैसे अपने पॉलिटी में हंडरेडेडेडेड नोट्स दिए थे वैसे इसमें भी हैंडरेटेड नोट्स दे दो तो इसमें देखो तो हैंडरेटेड नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे जोग्रफी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में जैसे कि जो पिछला टॉपिक था और जो ये टॉपिक है आगे से मैं कोशिश करूँगा जो भी टॉपिक्स आएँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पिक्चर्स का यूज़ ज़्यादा करना पड़ रहा था इस वजह से हैंड रिटन नोट्स की जगह मैंने इसको बेटर समझा कि मैं आपको इसके फॉर्म में पीपीटी के फॉर्म में दे, दे दूं ताकि चीज़ें समझ में आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि नोट्स नोट्स आप खुद से भी बना सकते हो बाकी आगे से जो चैप्टर्स होंगे वो हैंड राइटर नोट्स के फॉर्म में होंगे ताकि आपको लोगों को ज़्यादा चीज़ें अपने आप से लिखना भी ना पड़े ठीक है बाकी पॉलिटी का जितना हम लोगों ने अभी तक पार्ट वन किया लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को छोड़ कर वो सब आपका टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और सी के लिए मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट पेपर टू को लेकर चिंतित हैं कि सर आर्गूमेंट आपने एक वीक कराया इसके बाद हमें क्या करना है आर्गूमेंट कंटिन्यू करना है ये सारी चीज़ें तो अभी इस वीक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा मेरे पास टाइम कंस्टेंट है इस वजह से अभी मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ पेपर टू के रिगार्डिंग बाकी मैं आर्टिकल शेयर करता रहता हूँ आपका ग्रुप में और अगले वीक से आपका वो भी एकदम फ्लो में आ जाएगा ठीक है आप तब तक आर्टिकल प्रैक्टिस करते रहें और आर्ग्यूमेंट जो है जहाँ से आपको मिल सकता है मैं कोशिश करूँ कि आर्ग्यूमेंट भी मैं शेयर कर दिया करूँ तो उसको आप प्रैक्टिस करते रहें बाकी मेन आते हैं इस लेक्चर पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है हमारा एज ऑफ दी अर्थ बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सिर्फ एक स्लाइड का आप समझ सकते हो और बहुत ज़्यादा इतना खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बस आपको पता होना चाहिए अगर मान लो कि एक स्टेटमेंट में आपसे पूछ देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ ठीक है तो अर्थ की एज डिटरमाइन करने के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं इसको रेडियो धर्मी डेटिंग बोलते हैं हिंदी में नाइनटीन में ये अर्निस ने इसको इन्वेंट किया था बस ठीक है टाइप्स ऑफ डेटिंग डेटिंग के कई टाइप्स हैं जैसे कि यूरेनियम लेड डेटिंग होता है ठीक है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रॉक्स है उनको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं रूबीडियम स्ट्रॉन्शियर मैथड यूज़ करते हैं यूरेनियम थ्रिया मेथड मैथड यूज़ करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मैथड एंड कार्बन डेटिंग टू डिटरमाइन लेटेस्ट रॉक्स तो अगर इसमें में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल लो तो पहली और आखिरी है बाकी आप देख लो रटना इसमें से कुछ भी नहीं है बस आपको ये पता होना चाहिए इस एज ऑफ द अर्थ को डिटरमाइन करने के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं इसको डिटरमाइन किया था एफ इन्वेंट किया था अर्निस्टिफोर्न नाइनटीन जीरो फाइव में बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रटना नहीं लोड नहीं लेना बस आपको ये चीज़ें देखनी है अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दैट इज़ शेप ऑफ द अर्थ सबसे पहले तो आपको यही चीज़ बेसिक सी पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ का शेप है दैट इज नॉट स्फेरिकल वो पूरी तरह गोल नहीं है वो ऑबलेट स्टेराइड है जिसको हम अलग से नाम देते हैं जीआइड क्योंकि एक ऐसा हमें कोई शेप मिल ही नहीं रहा था कि हम बोलते हैं जो अर्थ हमारी इस शेप की है कोई ऐसा शेप था ही नहीं तो हमने एक ऐसा पर्टिकुलर एक यूनिक इसको शेप दे दिया यूनिक नाम दे दिया इस शेप को दैट इज जियोइड या फिर ऑबलेट स्फेराइड अ लिटिल फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम इस शेप में क्या इसके फीचर्स हैं खासियत इसकी ये है कि इसमें इसका जो फ्लैट जो टॉप और बॉटम है दैट इज़ फ्लैट जो हमारी अर्थ है ये आप देख पा रहे हो ये फिगर आप देखो इसमें क्या ये जो आप रेड कलर से देख पा रहे हो ये रेड ये कंप्लीट एक तरह से परफेक्ट स्फीयर है बट अभी मैंने बताया हमारी अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर ये जियोइड है फिर ऑबलेट स्फेराइड uh, है तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ब्लू कलर से ये है हमारी अर्थ और ये अर्थ हमारी जो है यहाँ पे सेंटर में बर्ल्ज बल्ज्ड का मतलब क्या होता है बाहर निकला हुआ है और टॉप और बॉटम में देखेंगे तो फ्लैट है चपटी हुई है इसका रीज़न यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका रीज़न है मो सेंट्रीफिगल फोर्स एटिक्वेटर बल्जेस अर्थ एट दी सेंटर एंड ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन फोर्स एट पोल्स पुशे सरफेस टूवर्ड्स दी कोर एट दी पोल्स तो जैसे ही क्योंकि इसमें जो सेंट्रीफिगल फोर्स होता है जिसको हिंदी में अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं ये सेंटर में ज़्यादा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा होगा वो क्या करता है बहुत तेजी के साथ जहल उसके साथ घुमाता है और घड़ा क्या होता है घड़े में अगर आप देखो तो ऐसे ही तो होता है वो बल्ज होता है अगर सेंटर पर देखोगे तो बल्ज होता है बाहर ही और निकला होता है और अगर टॉप और बॉटम में देखें तो कहीं ना कहीं फ्लैट ही तो होता है ठीक है अगर अब घड़े में क्या होता है कि ऐसे हो जाता है घड़ा है ना उसका ऊपर मुंह बना दिया जाता है लेकिन अगर अगर आप बेस देखो तो बेस कहीं ना कहीं ऐसे चपटा होता है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि पूरा अ, उसी सेंट्रीफिकल फोर्स ही उसका भी रीज़न है कि वो भी ऐसे थोड़ा बल्ज रहता है सेंटर पर और टॉप और बॉटम पर फ्लैट रहता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बकेट लो पानी लो और उसमें काफ़ी ज़ोर से इसको घुमाओ पानी को ठीक है और आधी भरी हो बकेट तो क्या होता है पानी ऊपर की तरफ आने लगता है कि नहीं ऊपर की तरफ आता है क्यों क्योंकि उसको बल्ज होने का मौका नहीं मिलता है जैसे ये यह यहाँ पे पानी भरा हुआ अब ये थोड़ी ना वो बल्ज हो जाएगा ठीक है बाल्टी ऐसे फूल तो नहीं जाएगी ना ठीक है तो क्या है पानी बाहर निकलता है इसी वजह से ये कुछ रीज़न्स आप उम्मीद करता हैं आप समझ पा रहे हो कि हमारी अर्थ है बल्ज है सेंटर पर और फ्लैट है टॉप एंड बॉटम में एंड दैट इज द रीज़न कि जो अगर हम रेडियस की बात करें अब रेडियस हम कहाँ पड़ते हैं उसमें सर्कल में तो सर्कल में किसी भी पॉइंट से सेम ही होगा डिस्टेंस उसके अगर हम सर्कम में कोई भी पॉइंट लें सेंटर से तो सेम ही तो होगा डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस ठीक है यहाँ पे भी रेडियस है सेंटर से सरकमफ्रेंस का पॉइंट लेकिन इसकी जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रेडियस है अर्थ की दैट इज़ मोर दैन दी पोलर रेडियस और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है बिकॉज ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी और ये वाली डिस्टेंस कम होगी किसी भी पॉइंट में अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है आप कॉमेंट में ड्रॉप कर देना मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा ठीक है तो ये डिस्टेंस कितने निकल के आती है सिक्स थ्री सेवन एट बस ये सब पॉइंट अगर कुछ याद है करने की जरूरत है सिक्स थ्री सेवन एट किलोमीटर और ये अराउंड सिक्स थ्री फाइव सिक्स किलोमीटर तो क्या ये अभी याद करनी है देख लो बहुत ज़्यादा रटने की इसको जरूरत नहीं है ये आपका एस का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है है वो कॉन्सेप्ट आपके चेक करेगा कि आपको क्लियर है कि नहीं वो ये चेक करेगा कि आपको ये पता है कि नहीं कि जो हमारी इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर रेडियस तो नंबर्स उससे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालें तो सिक्सट्री किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस निकल के आती है ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ अभी हमने बात की रेडियस की अब बात कर लेते हैं सर की सरकमफ्रेंस अगर हम बात करें पोलर सरकम्फ्रेंस कितनी है सरकमफ्रेंस आप समझते हो ना इसको हिंदी में हम बोलते हैं परिधि जैसे कि ये आपका सर्कल है ठीक है तो ये जो आप पूरा एक डिस्टेंस कवर करते हो दैट इज़ कॉल्ड सरकम्फ्रेंस जो कि एक सर्कल के लिए टू पाई आर होता है ठीक है बाकी यहाँ अगर हम बात करें अपनी अर्थ की तो इसकी पोलर रेडियस अराउंड फोर्टी थाउजेंड एट किलोमीटर और इक्वेटोरियल रेडियस सरकमफ्रेंस इसके अराउंड फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी फाइव किलोमीटर और रीजन इसका क्या है कि क्यों इसकी इक्वेटोरियल तो, रेडियस ज़्यादा है पोलर सर्कम्फ्रेंस से ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ अभी हम देखा रहे हैं बिकॉज इसका ऑबलाइट शेप है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा ना इस कम, इसके कम्पेरिजन में ठीक है समझ रहे हो आप ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में तो दैट इज वाई जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा है पोलर रेडियस से और अगर मीन रेडियस बात करें तो मीन अराउंड निकल के आ जाएगा चालीस हज़ार चालीस किलोमीटर ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अगला हमारा रेडियस ऑफ अर्थ तो रेडियस हम अभी हम देख चुके हैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं इक्वेटोरियल रेडियस अभी हमने देखा पोलर रेडियस से ज़्यादा है, है। मीन रेडियस है इतने निकल के आएगा और क्यों इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज़्यादा है ड्यू टू इट्स शेप ड्यू टू इट्स ऑब्लेट फेराइड शेप ठीक है या फिर जियोइड शेप ठीक है अब बात करते हैं इसके रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं अर्थ का रोटेशन तो ये है हमारी अर्थ जो कि है टिल्टेड सबसे पहले तो ये आपको एक चीज़ याद रखने की जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे कितना टिल्टेड है ये इसकी रोटेशनल एक्सेस है ठीक है इससे ये 23 एंड जो इसका एक्सिस है जो इसकी ऑर्बिटल एक्सिस होती है ये आपकी रोटेशनल एक्सिस है ये इसकी ऑर्बिटेशन ऑर्बिटल एक्सेस है ठीक है तो इससे ये अराउंड ट्वेंटी एंड हाफ डिग्री जो है टिल्टेड है और ये इसका प्लेन ऑर्बिटल प्लेन ठीक है इससे ये सिक्सटी सिक्स एंड अ हाफ डिग्री टिल्टेड है पहले तो इस चीज़ को अच्छे से याद रख लेना यह हम आगे भी पढ़ेंगे बट यहां पे जो आप चीज जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उससे पहले तो ये चीज़ को याद कर लो कि ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है अपनी रोटेशन एक्सिस से या फिर ऑर्बिटल एक्सिस से ठीक है इसकी जो रोटेशन एक्सिस है ऑर्बिटल एक्सिस है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री और जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन से सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है अब रोटेशन होता क्या है अपनी एक्सिस पे इसे घूमते रहना ठीक है वो मूव नहीं कर रही पॉइंट ए से बी कहीं मूव नहीं कर रही है बस घूम रही है वहीं पे अपनी जगह पे दैट इज कॉल्ड रोटेशन एक रोटेशन के लिए अर्थ को लगता है ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट एंड फोर सेकेंड यानी कि एग्जैक्टली exactly और इसी को हम बोलते हैं वन डे एक दिन और एक दिन ट्वेंटी फोर आवर्स का हम रफली लेते हैं रफली और यही कारण है कि क्योंकि ट्वेंटी फोर से कुछ कम होता है आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो रोटेशन का दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अब दो आपके सोलर सिस्टम में ऐसे प्लानट होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं वीनस एंड यूरनस इस चीज़ को भी ध्यान रखना अर्थ का हमारा जो रोटेशनल डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और बाकी सभी प्लैनेट्स का भी वेस्ट टू ईस्ट ही होता है बट दो ऐसे हैं वीनस और यूरानस जिनका ईस्ट टू वेस्ट होता है रोटेशन का जो एक्सिस रोटेशन uh, का जो डायरेक्शन होता है वो रोटेशनल स्पीड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स ये क्या लिखा हुआ है तो इसको ध्यान से समझना अभी देखो ये आपकी अर्थ है ठीक है, है ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम होती है इक्वेटर में दैन एट पोल्स तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई इक्वेटर पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया ए और इक्वेटर के अलावा मैंने कहीं पे पॉइंट कंसिडर कर लिया पॉइंट बी ठीक है अब दोनों को सेम टाइम पे क्योंकि मैं दोनों को पूरे अर्थ को रोटेट करा रहा हूँ तो दोनों को ही सेम टाइम पर फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पाँच मिनट मार लिया पाँच मिनट में दोनों को इसी पॉइंट पर आना है बी को भी और ए को भी तो आप मुझे बताइए कि, कि किसको फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा ए को कि बी को ऑब्वियसली ए को ट्रैवल करना पड़ेगा फास्ट क्योंकि इसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है सेम टाइम में आना है स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इफ टाइम इज्क टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम अगर सेम है टाइम अगर सेम है डिस्टेंस अगर d1 इसके केस में d1 मान लेते हैं और d2 d2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो स्पीड है ए की यानी कि आप बोल सकते हो s2 ठीक है ये ज़्यादा होगी होगी ठीक है तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन स्पीड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर मिनिमम एट पोल्स और यहाँ पे एक और फैक्ट मैं आपको ऑन करवाना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछ ले कि विच प्लानट हैज हाइएस्ट रोटेशन स्पीड यानी किस प्लानट की सबसे ज़्यादा रोटेशन स्पीड होती है वो होती है ज्यूपिटर की जो कि हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम का उसकी जो रोटेशन स्पीड यानी सबसे ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है और इसी वजह से इसका जो एक दिन होता है हमारे एक दिन 24 घंटे का अप्रॉक्स होता है बट यहाँ पे अराउंड 10 आवर्स का एक दिन होता है ठीक है अगर हम अर्थ के आवर्स की बात करें तो उस के कंपैरिजन में जूपिटर का दिन 10 घंटे में 10 घंटे में ये रोटेट कर देता है क्योंकि इसी वजह से हम बोलते हैं इसकी फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड है अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे दैट इज रेवोल्यूशन रोटेशन हमने देख लिया और अगला हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन में क्या है कि अर्थ अभी ये जो यहाँ पे ऐसे जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो लाइन ये रोटेशन था ठीक है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा था ऐसे ऐसे बट ये जो अभी अर्थ है दैट विल रिवॉल्व अराउंड इट द ऑर्बिट ऑफ दन ये एक ऑर्बिट है ये एक पाथ है ऑर्बिट क्या होता है पाथ होता है पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके चारों तरफ घूमेगी अर्थ किसके अराउंड सन के अराउंड और इसी को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन और एक रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं वन ईयर ठीक रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट वन रेवोल्यूशन टेक्स द टाइम थ्री सिक्सटी फाइव डेज सिक्स आवर्स नाइन मिनट एंड नाइन सेकेंड्स तो अगर हम बात करें हम रफली कितना लेते हैं तीन सौ पैंसठ दिन का लेते हैं एक साल है ना और वही होता है वन रेवोल्यूशन बट जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है सिक्स आवर्स नाइन मिनट नाइन सेकेंड यही जो है टर्न होता है आपका लीप ईयर में जो आप लीप ईयर एक, एक एक्स्ट्रा डे आपको मिलता है हर लीप ईयर में तो इसी वजह से होता है वो ठीक है तो अगर हम बात करें ऑर्बिटल स्पीड इसकी अगर हम बात करें कितनी होती है ये ऑर्बिटल यानी कि स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है वो तो हमने पढ़ा था पीछे रोटेशनल स्पीड दैट इज नाउ ऑर्बिटल स्पीड जिस स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड हमारा अर्थ है ये अराउंड 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड होती है मर्करी की और मिनिमम होती है सबसे आपकी नेपच्यून की यानी कि सबसे जल्दी एक साल कंप्लीट कर लेता है मरकरी और नेपच्यून सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है इसको कंप्लीट करने में अब देखो मकड़ी क्यों कर लेता काफी है बिकॉज ये काफ़ी लाइट प्लानट है ठीक है तो इसको इसके लिए इसको स्पीड अप करना या फिर इसको रिवॉल्व करना अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द सन ये काफ़ी इजी होता है और काफ़ी जल्दी काम को कंप्लीट कर लेता है इसी वजह से इसका जो वन ईयर होता है फिर एक रेवोल्यूशन होता है वो अराउंड 87 सेवन अर्थ के अगर हम डे से के कंपेयर से कंपेयर करें तो अराउंड 87 डेज में ही अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है नेपच्यून को अराउंड वन सिक्सटी फाइव ईयर्स लगते हैं यानी जब अर्थ में एक सौ पैंसठ साल हो जाएंगे तब नेपच्चून का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा अब आते हम अपने अगले टॉपिक पर एंड दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सन ये हमारा सन है ये हमारा अर्थ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट पहले तो वही पता होना चाहिए जो हम लोगों ने भी पढ़ा था ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है आप लोगों ने मैथ्स में खासकर एन डी वालों ने तो पढ़ा ही पड़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में अभी पढ़ के आ रहे होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे इलिप्स के फॉर्म में होता है ये ऑर्बिट ठीक है तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी राइट सी बात हो ऐसा कहीं पॉइंट होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम होगी अगर ये सेंट्रल एकदम ऑर्बिट रहता तो तो फिर कोई भी ऐसा पॉइंट आता ही नहीं कि जहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता बिकॉज उस केम में उस केस में इक्वल डिस्टेंस होती बट ये तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी और उसको हम बोलेंगे एपीहीलियन और जहाँ पे सबसे पास वाली डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज पेरीहीलियन याद कैसे रखेंगे पी फॉर पास एंड पी फॉर पेरीहीलियन यानी पास में जब होगा तो उसको हम पेरीहीलियन बोलेंगे और ये कंडीशन जनरेट होती है तीन जनवरी को और एपीहीलियन वाली कंडीशन जनरेट होती है चार जुलाई को ये आपका सन है ठीक है ये तो हो गया इक्विनॉक्स जहाँ पर आपके अब इक्विनॉक्स हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स और सोलिटिस क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर हम सिर्फ और को पढ़ रहे हैं तो एपी हिलियन की अगर हम बात करें चार जुलाई को होता है चार जुलाई को सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी ठीक है अर्थ और सन के बीच में और थर्ड जनवरी को सबसे पास डिस्टेंस होगी अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जनवरी के टाइम पर अगर अर्थ सन के सबसे पास में होती है तो सर्दी क्यों पड़ती है फिर तो गर्मी पड़नी चाहिए दबा के और जुलाई में सर्दी पड़नी चाहिए क्योंकि इतना दूर होता है इसका सिंपल सा एक लाइन में बस अभी के लिए मैं आंसर ये दूंगा बिकॉज पूरा भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं की अर्थ में आप ही नहीं रहते हो यानी अर्थ का मतलब इंडिया नहीं है ठीक है अर्थ के दो हेमेस्फेयर हैं एक तो है नॉर्दर्न हेमेस्फियर सदर्न हेमेस्फेयर इंडिया आता है हमारा नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में और अर्थ हमारी टिल्टेड है तो जब आपका ये वाला टाइम आता है जुलाई में जुलाई वाला जो टाइम आता है तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमेस्फेयर होता है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ तो डायरेक्ट रेस पड़ती हैं और जनवरी के टाइम पर सदर्न हमेस्फेर टिल्टेड होता है तो अभी के लिए इतना अगर आप सुन के समझ पा रहे हैं तो ठीक बात है नहीं तो आगे तो अभी आप समझेंगे इसी लेक्चर में फिर मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में उस चीज़ को हम कवर अप करेंगे ठीक है क्योंकि ये, ये जो पूरा हम लोग का ये जो मैंने तीन फेजेस में आपको वीडियो के शुरू में बताया था ये तीनों फेज हमारे दो वीडियो में दो लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूंगा ठीक है मैं बड़े बड़े वीडियोस नहीं रखूंगा छोटे से वीडियोस होंगे दोनों ही ताकि आप चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर सके ठीक है तो थर्ड जनवरी को डिस्टेंस कितनी होती है इतनी डिस्टेंस होती है रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं ना भी ना इसको रटने की जरूरत है बस ये आपको बताना चाहिए पेरीहीलियन और एपी अभी जब हम मून का देखेंगे तो हम पेरीजी और एपोजी देखेंगे पता है आप इन टर्म्स को भी एनकाउंटर करोगे अगर कभी आप क्वेश्चन लगाओगे ठीक है एपी पेरीजी और अपोजी और मैं आपको बता दूं जितने भी हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं इन पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे ठीक है मतलब इस वीडियो में नहीं पिछले वाले लेक्चर में तो हम लोगों ने किए थे बट मैंने आपको बताया जैसे मैंने पॉलिटी में करवाए थे वैसे मैं जोग्रफी में भी करवाने वाला हूँ हर एक टॉपिक जो हम लोग करेंगे उस पर क्वेश्चन जरूर होंगे ठीक है तो पेरीजी और अपॉजी जब आप देखोगे तो उसको पेरीहीलियन और एपीहिलियन से कन्फ्यूज मत करना बस एक ही कॉमन सा थोड़ा सा डिफरेंस इन दैट इज जब हम अर्थ और सन के डिस्टेंस के बीच की बात करते हैं एंड जब हम अर्थ और मून के यहाँ क्या था अर्थ एंड सन ना अब यहां पे अगर हम अर्थ और मून की बात करने लगेंगे तो हम पेरीजी और अपोजी का यूज करेंगे पेरीजी वो डिस्टेंस है जब अर्थ मून के सबसे नजदीक होगा और अपोजी वो है जो मून अर्थ के सबसे दूर होगा जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था इतनी चीज़ क्लियर वो बट हम आगे देखेंगे और डिस्टेंस कितनी होती है लेकिन अभी के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी बाकी डिस्टेंस तो आपसे वैसे भी नहीं पूछेगा बस यही पूछेगा पहली वाली कंडीशन कब जनरेट होती है और इलियन वाली कंडीशन कब जनरेट होती है और वो आपको क्लियर हो गई अभी आते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सेस ये हम मैंने थोड़ा सा भी आपको ब्रीफ किया था शुरू में ही लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा जो पिक्चर की हेल्प से आप समझ सकते हो उसको ये अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है क्योंकि अर्थ हमारी टिल्टेड है थोड़ी सी ठीक है अगर वैसे होता तो अर्थ का ऑर्बिटे ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल uh, एक्सिस है वही इसका रोटेशनल एक्सिस भी होता बट यहाँ इस केस में टिल्टेड है ऐसे करके टिल्टेड है तो ये इसका हो गया रोटेशन एक्सिस एंड दैट इज इट्स ऑर्बिटल एक्सिस इससे ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है और अगर हम ये इसका बात करें इसका ऑर्बिटल प्लेन है तो इससे ये सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है ये पता होना चाहिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ एक्जील इनक्लेशन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री और ऑर्बिटल इंक्लिनेशन सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री है ठीक है इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं आपको सिर्फ सिंपल दिख भी रहा होगा यहाँ पे ठीक है अगले पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा चालू होता है हेमिसफियर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब चालू होता है तो इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में ठीक है ये हम अगले लेक्चर के लिए रखते हैं बिकॉज जो अभी तक हमने पढ़ा उसको इससे कोई कनेक्शन है नहीं तो इसको अगले टॉपिक के लिए अगले लेक्चर के लिए रखते हैं और ये जो मैंने आज आप लोगों को करवाया है इस पर एम मैं पोस्ट करने वाला हूँ आपके जो एन वाला ग्रुप है और जो आप लोगों का सी और सी वाला जो ग्रुप है दोनों ग्रुप में मैं आपका कुछ एम पोस्ट करने वाला हूँ जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है और मैं कोशिश करूँगा जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उस भी उस पर भी मैं आपको जो है एम दूंगा तो दोनों के ग्रुप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो पूरे लेक्चर का जो पी फॉर्म का जो पी है ये अभी नहीं दूंगा मैं जब अगला लेक्चर हमारा दूसरा आएगा जब कम्प्लीट हो जाएगा सब कुछ तब मैं आपको दूंगा ठीक है इस चीज़ को रिवाइज़ करो और वहाँ पर एम डालूंगा उसको आप अटैम्प्ट करना और बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना लेक्चर को और हो सके तो शेयर कर देना बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी शॉर्ट में मैं आपको चीज़ें कवर अप करवा रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अंत में पढ़ना आपको है अंत में चीज़ों को डाइजेस्ट करना आपको है पढ़ाने ज़्यादा कंटेंट देने में कोई हर्ज नहीं मुझे ठीक है लेकिन एट द एंड ऑफ़ द डे आप ही को सारी चीज़ों को ग्रैप करना है रिवाइज़ करना है तो वो आपका टाइम कंज्यूम होगा इस वजह से उस टाइम को बचाने के लिए क्योंकि इतना मैं आपको करवा रहा हूँ आपको एन बस आप फॉलो करते जाना उसके अलावा कोई बुक आपको कर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो खुद ही आप देख लेना बाकी प्रीवियस कोई पेपर्स को भी उठा के देख लेना जब एक सर्टेन लेवल ऑफ हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा तब ठीक है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद